आज हम बात करेंगे कि ओलंपिक खेलों में या खेलों में भारत की क्या स्थिति है। हमारा टॉपिक है कैसे तैयार होंगे ओलंपियन। दोस्तों, आप लोगों को पता है क्या भारत में खेलों पर खर्च प्रति व्यक्ति रोजाना कितना है? भारत में खेलों पर खर्च प्रति व्यक्ति रोजाना कितना है? जी हाँ दोस्तों, यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में खेलों पर खर्च प्रति व्यक्ति रोजाना 3 पैसे है। जी हाँ, 3 पैसे प्रतिदिन। जबकि जो चीन, जो कि ओलंपिक खेल हों या किसी टाइप के भी खेल हों, तो जब पदकों की सूची होती है तो सबसे टॉप पर रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर 6 रुपये 10 पैसे खेलों पर खर्च प्रति व्यक्ति रोजाना है। हमारे 3 पैसे और उनके 6 रुपये 10 पैसे प्रति खिलाड़ी पर जो खर्च होता है प्रति दिन 6 रुपये 10 पैसे चीन में, जबकि हमारे यहाँ 3 पैसे। ये दो आंकड़े ही साफ कर देते हैं कि हमें ओलंपिक्स और अन्य बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में सम्मानजनक संख्या में पदक क्यों नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसे तैयार होंगे ओलंपियन, कैसे तैयार होंगे ओलंपियन हमारे? क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि 3 पैसे भारत में खेलों पर खर्च प्रति व्यक्ति रोजाना है, जबकि चीन, जो कि टॉप पर रहता है खेलों में, वो 6 रुपये 10 पैसे प्रति व्यक्ति जो उसका रोजाना का खर्च है। तो क्या ये दो आंकड़े साफ नहीं कर देते कि ओलंपिक्स में हम क्यों नहीं पदक जीतते? इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा कि सरकारों को सोचना पड़ेगा कि भारत में खेलों की स्थिति के ऊपर उन्हें विचार करना है। ये देखिए, 3 पैसे भारत में खेलों पर खर्च होते हैं प्रति व्यक्ति रोजाना, और 6 रुपये 10 पैसे चीन। ये दो आंकड़े ही साफ कर देते हैं कि हमें ओलंपिक्स में और अन्य बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में सम्मानजनक संख्या में पदक क्यों नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर इसी टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे, तो भारत के लिए क्या जरूरी बातें हैं जो हमें ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पदक मिले। भारत को 4 बातें जाननी जरूरी है। भारत को 4 बातें करनी होंगी ताकि हमारे जो खेलों में जो हमारे खिलाड़ी दिन रात की मेहनत करके पहुंचते हैं वहां आगे, वो पदक क्यों नहीं ले पाते हैं, किन चीज़ों की करने की आवश्यकता है, उसी की बात हम यहां आज इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें आपके दोस्तों के बीच में। अच्छी जानकारी मैं बताऊंगा आपको कि भारत के लिए ज़रूरी 4 बातें क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो है फंडिंग। फंडिंग का मतलब आप समझते हो, फंडिंग का मतलब होता है पैसा, और पैसे से क्या आती है? प्रेरणा। पैसा हर जगह प्रेरणा का काम करता है और यही ताकत बन जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों, ब्रिटेन ने भी अपने देश में खेलों पर खूब खर्च किया। वहाँ खेलों के लिए फंडिंग 2 तरीके से हुई, एक तो सरकारी खर्च और दूसरा नेशनल लॉटरी सिस्टम से। स्टेटिस्टा के आंकड़ों के अनुसार, एक एजेंसी है स्टेटिस्टा, उनके आंकड़ों के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने 1996 के बाद के 12 सालों में अपनी फंडिंग 7 अरब पाउंड से बढ़ाकर 10 अरब पाउंड कर दी। दूसरी मदद नेशनल लॉटरी से मिली। नेशनल लॉटरी की स्थापना 1994 में की गई थी। इसके तहत आम नागरिकों को लोटो सहित कई गेम्स खिलाए जाते हैं। इससे एकत्रित जो धनराशि होती है उसका बड़ा हिस्सा खेलों पर खर्च किया जाता है वहाँ। इसके जरिए खेलों पर 5.7 अरब पाउंड खर्च किए गए। इस तरह वहाँ सरकारी और जनता द्वारा एकत्रित राशि दोनों से खेलों को जबरदस्त फंडिंग की गई, और इसका नतीजा आपको पता ही है ओलंपिक्स में जो है क्या रहा ब्रिटेन का। यहाँ पर 2 तरीके से फंडिंग से खेलों को, खिलाड़ियों को काफ़ी मदद मिली। तो फंडिंग जरूरी है और भारत को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। भारत को खेलों के लिए फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, जो भी बहुत कम है। विडंबना यह है कि 2021-22 के बजट में सरकार ने खेलों के लिए केवल 2,596 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि पिछले बजट में 231 करोड़ रुपए कम है। पिछले बजट से भी 231 करोड़ रुपए कम है।
इस बजट में सरकार ने कितने खेलों के लिए 2596 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और ये जो अभी इतने रुपए आवंटित किए हैं ये पिछले बजट से 231 करोड़ रुपए कम है दोस्तों। तो सोचिए फिर हम क्या उम्मीदें करते हैं, खिलाड़ियों से क्या उम्मीद करें कि मेडल नहीं ला रहे हैं, कैसे लाएंगे बेचारे, उन पर प्रतिदिन 3 पैसे खर्च हो रहा है, फंडिंग की बेहद कमी है। तो पहला पॉइंट भारत सरकार के लिए यही होगा कि इन खिलाड़ियों के लिए अच्छे ये प्रदर्शन करें आगे, तो इनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसा कि ब्रिटेन से हम सीख सकते हैं। ब्रिटेन ने अपने यहाँ खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा किया है, वैसा हमारे को यहाँ पर भी करने की आवश्यकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है टाइमिंग। यहाँ पर फंडिंग की बात हम कर चुके हैं, अब आता है टाइमिंग। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग का दोस्तों सीधा सा आम मतलब है वक्त। वक्त जो है वो टाइम, और वक्त आपको पता मायने रखता है। ब्रिटेन ने बहुत ही कम उम्र में खेल प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें आगामी प्रतिस्पर्धाओं को तैयार करने का काम शुरू किया। बहुत कम एज में उन प्रतिभाओं को तराश कर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में खेल प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें आगामी प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने का काम शुरू किया। भारत को भी ऐसा व्यापक तौर पर करने की जरूरत है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जहाँ भी यह काम किया जाता है वहाँ उसके नतीजे भी देखने को मिलते हैं। कुछ चुनिंदा फाउंडेशन हैं जैसे कि बॉक्सिंग और साइकिलिंग, बहुत जल्दी ही प्रतिभाओं की पहचान करके उस पर अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। साल 2019 में भारत ने साइकिलिंग में पहली बार किसी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता था। ये आपको पता ही होगा फैक्ट्स दोस्तों, वर्ष 2019 में भारत ने साइकिलिंग में पहली बार किसी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, अभिनव बिंद्रा ने खुद माना है कि उनके दौर में राष्ट्रीय खेलों के दौरान शूटिंग में सिर्फ 200 प्रतियोगी होते थे, आज करीब 20,000 होते हैं। इसकी वजह यही है कि शूटिंग फेडरेशन ने बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रतिभाओं को पहचानने का प्रयास शुरू किया है। तो ऐसा हर खेल में होना चाहिए। जब हम कम उम्र में ही प्रतिभाओं को ढूंढ निकालेंगे, उन पर मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए मेडल लाएंगे। तो जरूरत है टाइमिंग की भी। और आगे बात करें दोस्तों तो बात नंबर्स की भी होगी। नंबर्स का मतलब ज्यादा खेल ज्यादा उम्मीद। अगर खेल अधिक होंगे, खिलाड़ी अधिक होंगे, तो मेडल भी ज्यादा आएंगे। सीधी सी बात है, जितने अधिक खिलाड़ी होंगे जितने अधिक मेडल होंगे, जितने अधिक खिलाड़ी होंगे जितने अधिक खेल होंगे तो उतने अधिक मेडल आएंगे, उतनी हमारी उम्मीदें ज्यादा रहती हैं। तो नंबर्स, जिससे ज्यादा खेल होगा तो ज्यादा उम्मीद होगी। टोक्यो खेलों के लिए भारत ने कुल 127 खिलाड़ियों का दल भेजा था। आपको पता है कि टोक्यो खेलों के लिए भारत से कुल 127 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था। इन खिलाड़ियों ने अलग अलग 18 खेलों की कुल मिलाकर 69 प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी की। हमें इसका दायरा और बड़ा करने की जरूरत है दोस्तों। मैं सरकार से यहाँ पर भी मेरी सारी बातें सरकार से ही हैं, मैं सरकार से ही निवेदन कर रहा हूँ कि इसका दायरा और बढ़ाने की जरूरत है। नंबर्स ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने होंगे, नंबर्स ऑफ गेम्स जो हैं उनको बढ़ाना होगा, अधिक से अधिक खिलाड़ियों को भेजना होगा, अच्छी मेहनत करके उन पर उनके नंबर्स को बढ़ाना होगा। जैसा कि अपने यहाँ ब्रिटेन ने किया, उसके नतीजे उसने लंदन ओलंपिक से मिलने शुरू हुए थे। टोक्यो ओलंपिक में भी उसने यही किया था। उसने कुल मिलाकर 65 पदक मिले और इनमें से 22 गोल्ड थे। भारत ने कुल 127 खिलाड़ियों में से 32 तो महिला और पुरुष हॉकी टीमों के खिलाड़ी ही थे। कुल 127 खिलाड़ियों में से 32 तो महिला और पुरुष हॉकी टीमों के खिलाड़ी ही थे। इसमें एक ही पदक मिला। अगर इतनी ही ऊर्जा 30 तैराकों पर खर्च की जाती तो पदक की संभावना 10 हो सकती है, क्योंकि तैराकी के अलग अलग मुकाबले ही काफी होते हैं। माइकल फ्लैप्स ने ओलंपिक्स में अकेले जितने मेडल जीते हैं, करीब उतने ही मेडल पूरे भारत को सभी ओलंपिक्स में मिला करते हैं। तो यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। इसी तरह ऐसी और भी इवेंट हैं जैसे शूटिंग, तीरंदाजी या जिमनास्टिक्स, इसमें कई पदक गांव पर होते हैं। तो हमें
आगे सोच समझकर थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम ग्राउंड कनेक्ट की। दोस्तों चौथे पॉइंट पे बात करेंगे ग्राउंड कनेक्ट। ग्राउंड कनेक्ट का अर्थ होता है शुरुआती ट्रेनिंग, और शुरुआती ट्रेनिंग जो होती है बहुत ही अहम होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेस को, कोच जो हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो अब वह सम्मान और पैसा मिल जाता है जिसे वे हकदार होते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के कोच जितने भी हैं, जो ट्रेनर हैं, उनको वो सम्मान और पैसा मिलता है जिसके वो हकदार हैं। लेकिन गांव में या फिर छोटे शहरों में प्रतिभाओं को ढूंढकर और उन्हें प्रारंभिक रूप से तराशने की जो मुश्किल काम जमीनी कोच करते हैं, बाद में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता है। गाँव स्तर पर, कस्बे स्तर पर कई ऐसे हैं मेहनत कर रहे हैं कोच, उनको भी पहचान दिलाने की आवश्यकता है, उन्हें भी पूछना चाहिए। ये वही कोच होते हैं जो किसी मीराबाई चानू की प्रतिभा को देखकर उन्हें वेट लिफ्टिंग से जोड़ देते हैं। आपने दंगल पिक्चर देखी थी, गीता बबीता के फादर पहले वही तैयार करते हैं, बाद में उनको और कोच मिलते हैं। तो ये जो प्रारंभिक कोच हैं, इनको भी पूछा जाना चाहिए, इनको भी मोटिवेट करना चाहिए, इनका भी मान सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही जो है प्रतिभाओं को सबसे पहले, प्रतिभाएं इन्हीं की नज़र में आती हैं और यही प्रतिभाओं को ढूंढकर आगे लाते हैं। तो क्यों ना इनकी इस टैलेंट का, इनके इस अच्छे कार्य के लिए इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के लिए ये चार जरूरी बातें जिनसे हमें किसी भी प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे मेडल मिल सकते हैं। अगर इन चार बिंदुओं पर सोचा जाए तो भारत निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेगा, और हमें सीखने की जरूरत है ब्रिटेन से, जिसने खिलाड़ियों के ऊपर किस किस तरह से कार्य किया था, फट चाहे वो फंडिंग की बात हो, चाहे वो टाइमिंग की बात हो, चाहे वो नंबर्स की बात हो, चाहे वो ग्राउंड कनेक्ट की बात हो। तो ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अच्छी जानकारी के लिए फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।